नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जितेन ट्रेवल ब्लॉग में। एक खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये लगभग समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर है और हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट है जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। आज मैं आपको उसी को दिखाने के लिए एक नए वीडियो और नई जगह के साथ आपके साथ पेश हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इधर के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको बता दूं, ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं। ये लगभग 1927 में ये जब देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था तब से इसका काम स्टार्ट हो गया था प्रोजेक्ट बनना, और लगभग 1933 में ये बनकर तैयार हो गया था। लगभग 5-6 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो गया था। कोशिश आपको यही करूँगा कि यहाँ के एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का पावर प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ यहाँ का नज़ारा कैसा है। यहाँ पर जो यहाँ की खूबसूरती है, लंबे से पेड़, क्या नाम है इनका, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, यहाँ के पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। चारों तरफ यही आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, ये है आपका यहाँ का पुराना अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया डैम, कुछ इस प्रकार है। और काफ़ी दूर तक ये पानी जाता है, आगे भी डैम ही है, पानी बहुत सारा यहाँ पे भरा हुआ है। सुकून जिसे कहते हैं दोस्तों, मुझे पहली बार ऐसी जगह में यार सुकून मिला है। इधर के झरने और यहाँ के पहाड़, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वो काफ़ी सुकून देती है। अगर बरोट जो है ना, बरोट लगभग है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर। और आगे दिखाते हैं आपको यहाँ का पावर प्रोजेक्ट का जो मेन डैम है उसको आपको दिखाते हैं चल के। ये पानी पता नहीं किधर से आता है, पूरा एकदम टर्नल टाइप में बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अंदर तक है। ये देखिए कितना स्पीड से पानी गिर रहा है यहाँ पे। काफ़ी लंबा है और दूर दूर तक पानी ही पानी है। तो यही है दोस्तों पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश का पहला, जो कि आज़ादी से पहले बना था। बाद से आपको लेकर के चलते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे। आवाज़ तो क्लियर आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पानी का बहाव इतना तेज़ है कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। कितना स्पीड में पानी जा रहा है आपको दिखाते हैं। पहले आप इधर का नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए, ये है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ डैम, काफ़ी बड़ा और बड़ा साइज में है। और देखो पानी का बहाव यहाँ पे काफ़ी तेज़ है।
भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे मछली पालन भी होता है, और वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। देखो कैसे पहाड़ पूरा मलबा का मलबा गिर जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। ख़तरनाक जगह भी है वैसे, खतरे से खाली नहीं, इसलिए यहाँ पे आना। अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे मछली पालन है। हमने परमिशन ले लिया अंदर आने के लिए, पहले से लगा हुआ है सबको परमिशन, आम रास्ता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने परमिशन लिया और जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सी मछली। शायद बहुत महंगी मछली है, 1000-1200-1500 रुपये एक किलो मिलती है, 1500 रुपये तक की। देखते हैं भाई कौन सी मछली है यहाँ पे। ये है भैया यहाँ का मछली पालन, लेकिन पानी भैया ने बताया कि गंदा है, इसलिए दिख नहीं पाएगी। चारों तरफ से जाल लगाया गया है ताकि कोई यहाँ पे आ ना सके। और हाँ, थोड़ी थोड़ी दिख रही है दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए दोस्तों, अभी कुछ दूर हम पैदल चल के आए हैं, और अभी यहाँ से शायद विल्ड हाई लग्जरी कैंप, यहाँ पे शायद कैंप वगैरह होते हैं। यहाँ पे शायद लकड़ी के ही एकदम होटल है, काफ़ी अच्छा सुंदर, देख सकते हैं आप। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, स्कैनर वगैरह है, ये कुछ इस प्रकार के, टोटल लकड़ी का ही आपको मिलेगा। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है शायद, किसी पूछते हैं यहाँ पे कितना लगभग चार्ज लेते हैं कैंपिंग का, फिर आपको बताते हैं। कैंपिंग के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह है, सामने खूबसूरत वादियाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है यार यहाँ पे। यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं आप रात में, यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। आप लोगों को लग्जरी कैंप दिखाने के चक्कर में हमारा 3 बजे वाला बस छूट गया, और लास्ट बस है 4 बजे यहाँ से निकलने के लिए। अगर वो बस भी हम अगर मिस कर दिए तो हमें रात में रुकना पड़ेगा, और यहाँ पे होटल का ज़्यादा चार्ज लगेगा, क्योंकि 1000 से ऊपर पर नाइट का होटल का रेंट है, इसलिए हम इतना कॉस्ट नहीं कर पाएंगे। तभी तो बैठे हैं एक होटल में खाना खाने के लिए, राजमा चावल हमारा आ चुका है, और खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। 4 बजे वाला बस हम नहीं छोड़ेंगे। होटल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, ये होटल एक मिली है, यहीं पर खाना खाने के लिए आए।